पिछले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चलिए अब चौथी अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार समझिए। सोचिए हमारे पास दो पदार्थ है, ए बी और सी डी, और अभिक्रिया होने पर हमें दो नए पदार्थ मिलेंगे, ए डी और सी बी। ध्यान दें, यहाँ बी ने डी की जगह ली और डी ने बी की। यहाँ पर बी और डी दोनों ने अपनी जगह कुछ इस प्रकार बदल ली। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो चले इस क्रियाकलाप के लिए केमिस्ट्री लैब में। बेरियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, एक बीकर लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क और कुछ टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml बेरियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दीजिए। अब फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को पिछले कॉनिकल फ्लास्क में डाल दीजिए। अब कुछ देर ऐसे ही रखने पर और ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आप देखेंगे कि विलयन का रंग सफ़ेद पड़ने लग गया है, अर्थात बेरियम सल्फेट का कलर सफ़ेद हो गया है। आइए अब क्रियाकलाप पर चर्चा करें। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में क्लोराइड आयन की जगह सल्फेट आयन ने ली, जिससे BaSO4 मिला, और सल्फेट आयन की जगह क्लोराइड आयन ने ली, जिससे NaCl बनकर हमें मिला। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर समझा था। ध्यान दें, यहाँ दो आयन जगह बदल रहे हैं, क्लोराइड और सल्फेट। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप में अभिक्रिया होने पर बीकर में ध्यान दिया था? चलिए एक और बार फिर से देखते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में हमें सफ़ेद रंग का विलयन मिला था। अब विलयन को दोबारा से अच्छे से मिलाएं और कुछ समय के लिए इसे अनछुआ रहने दें। आप देखेंगे बीकर के अंदर सफ़ेद रंग का अवक्षेपण बन रहा होगा। यदि हम बीकर के ऊपर का विलयन हटा दें तो आप सफ़ेद अवक्षेपण को अच्छे से देख पाएंगे। आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि पानी में अविलय है, यानी इनसॉल्युबल है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? आइए इसमें शामिल अभिक्रिया देखते हैं। अभिकारक में Ba2+ और SO4-2- आयन की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है। चलिए देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमने अवक्षेप अभिक्रिया और उसके बारे में पढ़ा। चलिए तो हम इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान द्वारा दो नए यौगिक बनते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बने, और उन्हें हम अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं।